आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने आईफोन में वॉइस आइसोलेशन कैसे अनेबल कर सकते हैं अगर आपने अपने डिवाइस में iOS 18 अपडेट को डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर पिछले अपडेट यानी कि iOS 17 में आपको कंट्रोल सेंटर में माइक मोड देखने को मिल जाता था और जब यहाँ पर आप टैप करते थे तो आप लोगों को वॉइस आइसोलेशन देखने को मिल जाता था। बट अब यहाँ पर चेक करेंगे तो iOS 18 में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलता है। तो कैसे अनेबल करना है चलिए बताता हूँ। iOS 18 में आप वॉइस आइसोलेशन को इजीली अनेबल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए फोन डायलर से, व्हाट्सएप कॉल से, इंस्टाग्राम कॉल से या फिर फेस टाइम से किसी को कॉल लगाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर किसी को कॉल लगाएंगे और फिर कंट्रोल सेंटर को यहाँ पर ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो है कंट्रोल्स का। कंट्रोल्स पर टैप करेंगे तो कुछ इस तरह के आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है ऑडियो का और दूसरा है वीडियो का। वीडियो कॉल लगाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन वीडियो का ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर रेगुलर कॉल करते हैं फोन डायलर से तो सिर्फ आप लोगों को ऑडियो का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपके पास तीन नहीं चार ऑप्शन है, ऑटोमेटिक, स्टैंडर्ड, वॉइस आइसोलेशन और वाइड स्पेक्ट्रम। स्टैंडर्ड पर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस है वो सामने वाले पर्सन को सुनाई देगा, यानी कि ये स्टैंडर्ड पर रखने से आपका जो आवाज है वो क्लियर कट सामने वाले पर्सन को सुनाई देगा और साथ ही साथ बैकग्राउंड नॉइज भी देखने को मिलेगा। बट वॉइस आइसोलेशन पर टैप करेंगे तो वॉइस आइसोलेशन अनेबल करने से जो भी बैकग्राउंड नॉइस है वो यहाँ पर कट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका आवाज सामने वाले पर्सन को सुनाई देगा। ये जो फीचर है वॉइस आइसोलेशन का आप अपने आईफोन में डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, एयरपोर्ट है आपके पास तो भी यूज कर सकते हैं और कोई थर्ड पार्टी ईयरबड हो, हैंड्स फ्री हो तो उसमें भी ये वॉइस आइसोलेशन फीचर है उसको आप अनेबल कर सकते हैं। मैंने ए टू जेड सारे फीचर्स चेक कर लिया, प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। और आखिरी ऑप्शन है वाइड स्पेक्ट्रम का। अगर एक ही फोन आप स्पीकर पर लगा के 2-3% बातचीत करते हैं तो वाइड स्पेक्ट्रम में प्रॉपर आवाज भी सुनाई देगा और यहाँ पर जो बैकग्राउंड नॉइस है वो भी कट हो जाएगा। तो अगर आपको ग्रुप में वॉइस कॉल करना है तो ये वाले फीचर को चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है बार बार फीचर अनेबल डिसेबल नहीं करना है तो ऑटोमेटिक पर आप रखेंगे तो सराउंडिंग एनवायरमेंट के हिसाब से वो यहाँ पर अपना जो मोड है वो चेंज करता रहेगा। वैसे ही आप अगर फेस टाइम करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन है, पोर्ट्रेट, स्टूडियो लाइट और यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो है रिएक्शन। पोर्ट्रेट पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप जो वीडियो क्वालिटी है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जो डेफ इफेक्ट है उसको यहाँ पर एनहांस कर सकते हैं। स्टूडियो लाइट ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो भी सारे स्टूडियो लाइट के फीचर्स दिए गए हैं इसको आप यहाँ पर इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैकग्राउंड में चेक कर सकते हैं, जैसे मैं स्टूडियो लाइट पर टैप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा सिर्फ फेस ही यहाँ पर कवर करने वाला है। जो आखिरी ऑप्शन है वो है रिएक्शन का। रिएक्शन आप लोगों को पता ही है, इसमें एक नया फीचर आया है, जैसे कि आप थम्सअप दिखाएंगे तो यहाँ पर थम्सअप शो करेगा, फिर फायरवर्क शो करेगा, ऐसा जो भी रिएक्शन आपको शो करना है तो वो यहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। अगर इस फीचर को ऑफ करेंगे तो कोई भी रिएक्शन का ऑप्शन है वो आप लोगों को लाइव वीडियो कॉल में, व्हाट्सअप कॉल में देखने को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि वॉइस आइसोलेशन फीचर को कैसे आप यहां पर अनेबल कर सकते हैं। अभी एक और बार यहां पर मैं आपको करके दिखाता हूं फोन डायलर में। यहां पर नॉर्मली कंट्रोल सेंटर ओपन करेंगे, चेक करेंगे तो वॉइस आइसोलेशन नहीं है। बट किसी को कॉल लगाएंगे, जैसे कि यहां पर मैं नॉर्मल कॉल लगाता हूं, फिर यहां पर मैं कंट्रोल सेंटर में जाऊंगा, कंट्रोल्स में जाऊंगा तो यहां पर देख सकते हैं मेरा स्टैंडर्ड, वॉइस आइसोलेशन और ऑटोमेटिक के जो फीचर है वो आ चुका है। तो इस तरह से आप भी अपने डिवाइस में ये जो नया फीचर है उसको अनेबल कर सकते हैं। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और आपने हमारे चैनल टेक रिस्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर मोर iOS 18 अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो यहाँ पर टैप करके आप अपने आईफोन में बैटरी को कैसे सेव करना है वो चेकआउट कर सकते हैं और अपने आईफोन की बैटरी लाइफ को काफी इंप्रूव कर सकते हैं।